आप सभी का स्वागत है एजुकेशन ऑफ आयुर्वेदा में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पे मेडिकल के जो भी स्टूडेंट हैं उनकी क्लासेस चल रही हैं, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको बताया जा रहा है। और कल की जो क्लास थी, फाइनल ईयर जो फार्मेसी वाले जो स्टूडेंट हैं जो फाइनल ईयर में हैं, आयुर्वेद से फार्मेसी कर रहे हैं, उनकी क्लास थी। उनके सब्जेक्ट सिलेबस को मैंने बताया था और मैंने ये भी कहा था, मैंने वादा किया था कि उन सभी स्टूडेंट को उनके सब्जेक्ट के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं लेकर के चलूंगा। तो आप सबके बीच में हूँ, जैसा वादा किया था उसको निभाने के लिए मैं आप सभी के बीच में हूँ। गाना आप लोग सुने ही होंगे, वादा किया तो वादा निभाना ही होगा और आखिर तुम्हें आना ही होगा। गलत, शायद गाना गलत है, लेकिन मैंने जो है वो बताया आपको कि जो वादा किया वो तो निभाना ही होगा, इसलिए मैं वादा निभाने के लिए आप सबके बीच में फिर से एक बार आ गया हूँ। और आज मैं आपकी क्लास, जो फाइनल ईयर से फार्मेसी कर रहे हैं उनकी क्लास लेने के लिए आया हूँ। और जैसा कि मैंने कल उनके सब्जेक्ट और सिलेबस को बताया था, तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें। और जो कन्फ्यूज़न है आपके दिमाग में आयुर्वेद फार्मेसी को लेकर के, आयुर्वेद से जो जीएनएम हो रहा है उसको लेकर के, या मेडिकल के जो भी बेसिक टर्म या जो भी टॉपिक है नहीं समझ में आते हैं, तो आप हमसे कमेंट कीजिए। मैं आप सभी के कमेंट को मैं पढ़ता हूं और जो भी चीज़ें हैं, जो भी सोल्यूशन है, जो भी प्रॉब्लम है आपकी सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जो भी नए स्टूडेंट हैं हमसे जुड़े हुए हैं उनकी समस्या का समाधान यहाँ पे हो रहा है। तो आप अगर वीडियो शेयर करेंगे तो आपके जो फ्रेंड हैं वहाँ तक अगर पहुँचेगा तो वो, उनको भी जो प्रॉब्लम होगी उसका समाधान भी मैं दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो आपके सब्जेक्ट से होने वाला है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो भी सिलेबस है आपका, जिन्हें सिलेबस नहीं मिला है, फाइनल ईयर के हों या फर्स्ट ईयर के हों, या जीएनएम आयुर्वेद फर्स्ट ईयर के हों, या डी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो या फाइनल ईयर के हों, और जिन्हें सब्जेक्ट का सिलेबस नहीं मिला है, वो डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले मेरा। और टेलीग्राम चैनल से आपको जो भी इम्पोर्टेंट पीडीएफ है वो आपको वहां से मिल जाएगी। तो मैं बता दूं कि जो भी सिलेबस और सब्जेक्ट, जो भी चीजें, जो भी टॉपिक आपको बताई जाती है, जो बोर्ड का जो पाठ्यक्रम है और उसमें जो भी चीजें दी गई हैं, उसी के अनुसार आपके जो सिलेबस है उसी के अनुसार टॉपिक को लेकर के मैं आप सबके बीच में आता हूँ, उन्हीं सारी चीजों को आपको बताता हूँ। तो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार सारी चीजें हैं। तो टॉपिक पे चलते हैं। आज की जो क्लास है रसशास्त्र और भैषज कल्पना की है, मतलब कि पहली क्लास है आपकी, जो फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनकी पहली क्लास है। और सबके लिए कल की जो क्लास थी आपकी, जो नए हैं चैनल पे उन्हें, उन्होंने अगर पहली क्लास नहीं देखी होगी, फाइनल ईयर की स्टूडेंट हैं जो क्लास नहीं अटेंड किए हैं, तो मैं बता दूं कि उन्हें जो सब्जेक्ट से जो भी रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है, तो आप मेरी कल की क्लास पे जो वीडियो बनी थी उसको आप देख सकते हो। तो मैं बता दूं फिर से कि जो भी सब्जेक्ट है आपके, तीन सब्जेक्ट है फाइनल ईयर में भी, आपको तीन सब्जेक्ट पढ़ने हैं। रस शास्त्र एवं भैषज कल्पना आपका सब्जेक्ट नंबर वन है। सब्जेक्ट नंबर टू जो है आपका रुग्ण परिचर्या एवं व्यवहार आयुर्वेद है। और जो सब्जेक्ट नंबर थ्री है वो है रोग परिचय एवं चिकित्सा। तो आज जो पहला जो सब्जेक्ट है रस शास्त्र आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो रस शास्त्र एवं भैषज कल्पना, भैषज कल्पना के भी जो टॉपिक है वो आपको बताए जाएंगे। तो सबसे पहले रस शास्त्र आज लेकर के मैं आपको बताऊंगा। तो रसशास्त्र में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है मैंने यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिया है। तो सबसे पहली चीज, रस क्या है, दूसरा रस कितने प्रकार के होते हैं, और तीसरी रस जो भी है उनका पंच महाभूतों से संबंध क्या है, या किस रस में कौन से पंच महाभूत पाए जाते हैं। तो सबसे पहले पहले पॉइंट को मैं बता दूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पे हैं, वीडियो देख रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो आप कॉपी और पेन लेकर के बैठे हैं। एनुअल एग्जाम में जो भी एग्जाम, जो बोर्ड एग्जाम कराता है, एनुअल एग्जाम जो कराता है, उसमें हमेशा जो रस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, रस शास्त्र से जरूर क्वेश्चन आते हैं, और कम से कम 40 से 60 नंबर के क्वेश्चन आपको उससे मिलेंगे। ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो इसको आप सीरियसली लीजिए और इस पे ध्यान बनाए रहिए। तो रस क्या है, सबसे पहले मैं इसको बता दूं रस क्या है। तो रस कोई भी चीज जब जीभ के संपर्क में आती है तो उससे हमें जो अनुभव होता है उसे आयुर्वेद में रस कहा गया है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है इस पे आप ध्यान दीजिएगा कि कोई भी चीज जब हमारे जीभ के संपर्क में आती है और जिससे
अनुभव हमें जो होता है, जो भी अनुभव हमें होता है हमारे जीव के संपर्क में जब भी कोई चीज आ रही है और हमें जो अनुभव हो रहा है उसी को ही आयुर्वेद में रस कहा गया। अगर साधारण भाषा में अगर हम समझें तो खाने में जो हमें स्वाद मिलता है, जो भी चीज हम खाते हैं और उसमें हमें जो स्वाद मिलता है उसे ही रस कहते हैं। और रसों के आधार पर ही निर्धारित किए गए जो भी रस हैं उन्हीं के आधार पर, जो भी रस हैं उन्हीं के आधार पर, जो फायदे हैं खाने वाली चीज़ों के उन्हीं के आधार पर निर्धारित किया गया है कि कौन सी चीज़ हमें फायदा पहुंचाएगी, कौन सी चीज़ हमें नुकसान पहुंचाएगी। तो रसों के आधार पर ही ये निर्धारण भी किया गया है। उसी तरह से अगर हम समझें तो जिनमें रसों की तीव्रता ज़्यादा होती है, जिन भी चीज़ में रसों की तीव्रता सबसे ज़्यादा होती है उन्हें ही औषधि रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब जो जिसमें रसों की प्रधानता है या रस की तीव्रता ज़्यादा है आयुर्वेद में उन्हें औषधि के रूप में प्रयोग भी किया जाता है। जैसे अगर समझें तो जो भी मधुर चीज वाली, जो भी खाने वाली चीज है, अगर मधुर रस की है, मधुर रस की अगर कोई भी चीज है, मधुर रस की है तो उसकी तासीर ठंडी होती है। मधुर रस की कोई भी चीज है तो उसकी तासीर कैसी होती है? तासीर ठंडी तासीर होती है। जो भी मधुर रस की जो भी चीज है उसकी तासीर ठंडी होती है। और उसी तरह से अगर हम देखें तो जो भी कटु और तिक्त रस के जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं, जो भी कटु हैं और अम्ल हैं, सॉरी जो भी कटु रस के जो चीजें हैं, कटु रस और अम्ल रस की जो चीजें हैं उनकी तासीर गर्म होती है। उनकी तासीर कैसी होती है? गर्म होती है। मतलब आयुर्वेद में जो भी रस है वही निर्धारित करते हैं कि जो भी चीजें हम खा रहे हैं उनके रस ही निर्धारित करते हैं कि हमारे शरीर पे उनका नुकसान क्या होगा या असर वो हमारे शरीर पे कैसा दिखाएंगे। तो मैंने बताया कि जो भी मधुर रस के जो भी चीजें हैं जो हम खाते हैं उनकी तासीर ठंडी होती है, मतलब कि वो हमारे शरीर में ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे शरीर में उनसे जो हमारे वात पित्त और कफ हैं उनमें बढ़ोतरी नहीं होती है। तो मैं आगे के टर्म में बताऊंगा कि कैसे रसों की अधिकता या प्रधानता, कौन से रस की अधिकता या कौन से रस की प्रधानता हमारे शरीर में जो हमारे जो दोष हैं, शरीर के जो त्रिदोष हैं उनमें बढ़ोतरी करते हैं, वो भी मैं बता दूंगा। और जैसे कि मैंने बताया कि जो अम्ल और कटु रस होते हैं उनकी जो तासीर होती है गर्म होती है, मतलब ये शरीर को ज्यादा हानि पहुंचाते हैं। तो अब देख लेते हैं कि रस कितने प्रकार के हैं। तो रस के अगर प्रकार देखें तो रस 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? रस 6 प्रकार के होते हैं। पहला जो रस है उसको हम मधुर कहते हैं, मधुर मतलब मीठा रस जिसको बोला जाएगा। दूसरा है जिसको हम कटु बोलते हैं, कटु रस का ही मतलब हो गया। कटु अगर बोला गया है तो आप डायरेक्टली कटु का मतलब कड़वा से नहीं होता है, कटु का मतलब होता है चरपरा। कटु का मतलब क्या होता है? चरपरा। चरपरा से तात्पर्य है तीखा। जो चीजें खाने में हमें तीखी लगती हैं आयुर्वेद में उसे कटु रस कहा गया है। क्या रस कहा गया है? कटु रस। उसी तरह से अगर तीसरे रस की बात करें तो मधुर हो गया, कटु हो गया, फिर हो गया अम्ल। अम्ल का मतलब खट्टा। अम्ल का मतलब क्या हो गया? खट्टा। जो खट्टे रस वाले हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अम्ल। उसी के क्रम में अगर चौथे रस को अगर देखें तो हो जाएगा आपका कसाय। कसाय मतलब कसैला। अगर जो भी चीजें खाने में कसैली लगे तो उसमें कसाय रस की प्रधानता होती है, कसाय रस पाया जा रहा है। उसी तरह से अगर पांचवा देखें तो होता है तिक्त। तिक्त का मतलब कड़वा। तिक्त का मतलब कड़वा जिसको बोला गया, कड़वा मतलब नीम के जैसा। नीम जैसा अगर है तो उसे हम क्या बोलेंगे? कड़वा। तो तिक्त रस जिसको बोलते हैं वो क्या है? कड़वा। तो मधुर अम्ल, तो देख लीजिए मधुर, कटु, अम्ल, कषाय, तिक्त और एक है आपका लवण। लवण मतलब जो भी चीजें खाने में नमकीन लगे, स्वाद में नमकीन लग रही हैं तो उसमें लवण रस की प्रधानता होती है, उसमें लवण रस होता है। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैंने आपको बता दी। रस क्या होता है वो बता दिया। रस के कितने प्रकार हैं तो मैंने बताया रस के 6 प्रकार होते हैं। पहला जो रस है मधुर रस है, दूसरा कटु, तीसरा अम्ल
और चौथा जो है कषाय, पांचवा तिक्त और छठवां लवण। ऐसा नहीं है कि आप इसके क्रम को इधर उधर करके नहीं लिख सकते, छयों को आप ऊपर नीचे करके कैसे भी लिख सकते हैं, ये क्रमागत नहीं है कि आप इसको क्रमागत ही लिखें, आप जैसे चाहें उस तरह से आप इसको लिख सकते हैं या याद रख सकते हैं। तो जो छह रस थे वो चीजें मैंने बता दी। बात होगी पंच महाभूतों की, होगी रस पे कौन से पंच महाभूत किस तरह से असर दिखाते हैं, किस रस में किस पंच महाभूतों की अधिकता होती है। तो जैसा कि आप आयुर्वेद से पढ़ रहे हो, अगर आपने फर्स्ट ईयर की क्लास अच्छे से अटेंड की होगी तो आपको पंच महाभूतों के बारे में भी जानकारी होगी कि जो भी चीजें हम खा रहे हैं या जो भी चीजें पृथ्वी पर है उसमें वो सब पंच महाभूत से मिलकर के बने हुए हैं। उसी तरह से आयुर्वेद यह दर्शाता है कि जो भी रस है उसमें पंच महाभूतों का सम्मिलन है, समाहित है, सभी पंचभूत उसमें पंचभूतों के कुछ जो पार्ट है, जो भी पंच महाभूत है उनमें से कुछ जो महाभूत है उसमें सम्मिलित होते हैं। तो देख लेते हैं किस रस में कौन से महाभूत पाए जा रहे हैं। रसों में महाभूत, तो किस रस में कौन से महाभूत पाए जा रहे हैं उनको हम देख लेते हैं। तो देखते हैं रस है मधुर, तो मधुर रस में कौन से महाभूत पाए जा रहे हैं। तो मधुर रस में पृथ्वी और जल, पृथ्वी और जल महाभूत कौन कौन से हैं मधुर रस में, पृथ्वी और जल। तो पृथ्वी और जल जो महाभूत हैं मधुर रस में पाए जाते हैं। उसी तरह से अगर देखें, अगर अम्ल रस है, अम्ल उसी तरह से अगर देखें अम्ल रस है तो अम्ल रस पृथ्वी और अग्नि महाभूत उसमें पाए जाते हैं। अम्ल रस में पृथ्वी और अग्नि महाभूत पाए जाते हैं, पृथ्वी और अग्नि महाभूत अम्ल रस में पाए जाते हैं। उसी तरह से लवण अगर रस देखें तो लवण में जल और अग्नि महाभूत पाए जाते हैं, जल और अग्नि लवण रस में पाए जाते हैं। कटु रस में वायु और अग्नि पाए जाते हैं, कटु रस में वायु और अग्नि, कटु रस में वायु और अग्नि पाए जाते हैं। उसी तरह से तिक्त में वायु और आकाश महाभूत पाए जाते हैं, उसी तरह से वायु और पृथ्वी महाभूत पाए जाते हैं। कषाय वायु और पृथ्वी महाभूत पाए जाते हैं। तो एक बार आप देख लीजिएगा रसों में जो महाभूत है, जैसा कि मैंने बताया कि जो भी रस होते हैं उसमें महाभूतों के परमाणु पाए जाते हैं, महाभूत उसमें सम्मिलित होते हैं, महाभूत ही उसकी प्रकृति को निर्धारित करते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। तो कौन कौन से महाभूत किन रसों में पाए जाते हैं वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। मधुर रस में पृथ्वी और जल महाभूत पाए जा रहे हैं, अम्ल में पृथ्वी और अग्नि, लवण में जल और अग्नि, कटु में वायु और अग्नि, और तिक्त में वायु और आकाश, कषाय में वायु और पृथ्वी महाभूत पाए जा रहे हैं। तो जो भी चीजें यहाँ पे बताई हैं वो पूरी तरह से स्पष्ट हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई दिक्कत होगी समझने में। अगर दिक्कत होती है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उन चीजों को फिर से अगली क्लास में लेकर के आऊंगा और उन चीजों को अच्छी तरह से समझाऊंगा। आप सबके एज में कौन सी पढ़ाई की है, कैसी पढ़ाई की है और किस तरह से मैंने क्लास अटेंड किया है और कितना मैं पढ़ता था, तो अगर समय बीत जाता है तो पछतावा होने लगता है। तो इसलिए आप ऐसा मत कीजिए, जो भी चीजें आपको बताई जाती है उस पर सीरियसली आप रहिए। क्योंकि मैंने कई लोगों का कमेंट भी पढ़ा, उसमें कई लोग ये कह रहे हैं कि सर आयुर्वेद फार्मेसी में कोई स्कोप ही नहीं है, कोई जॉब ही नहीं मिल रही है। तो उनकी प्रॉब्लम मैं ये जान सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने सही से क्लास अटेंड नहीं किया या अच्छी जगह इंटर्नशिप नहीं की या चीज़ों को समझा नहीं। क्लास अटेंड नहीं करेंगे, चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो आप इंटरव्यू कैसे फेस करोगे या दवाओं के बारे में जानकारी कैसे रखोगे, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो मॉडर्न विद्यार्थी हैं आप, आधुनिक समय के विद्यार्थी हैं, मैं भी विद्यार्थी हूँ और मैंने भी बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं और मुझे पता है कि दिक्कत कब होती है, जब पढ़ने बैठो तो पढ़ने का मन नहीं करता है, ये सारी चीज़ें दिक्कत होती है। लेकिन तब भी अगर आप एक अपने मन में एक संकल्प ले लें कि नहीं मुझे ये चीज़ें पढ़नी है, इसको समझना है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो ना समझ में आए। तो
तो आप इन सभी चीजों को समझिए और ये आपके लिए लाभदायक है, आपके लिए काम में आने वाले हैं, इसलिए आप इस पे दिमाग बनाए रखिए। तो जो चीजें हैं मैंने बता दिया कि रस क्या, क्या क्या चीजें डिस्कशन हुई थी, रस क्या है बता दिया गया, रस के प्रकार क्या है, रस कितने प्रकार के होते हैं ये भी मैंने बताया, और फिर रस और पंच महाभूत, रस और पंच महाभूत बता दिए, पंच महाभूत। तो तीन टॉपिक मैंने आपको बता दिया, रस, रस के प्रकार और रस और पंच महाभूत आपको बता दिया। उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, छह रस मैंने आपको बताए हैं और छह रसों का गुण भी बता दिया। जैसा कि मैंने बताया कि जो मधुर रस होते हैं उनकी तासीर ठंडी होती है, और जो अम्ल और जो कटु रस के जो चीजें होती है खाने वाली उनकी तासीर गर्म होती है। तो तासीर गर्म है उस हिसाब से अगर देखें तो नुकसान पहुंचाने वाली भी चीजें उसमें होती हैं। तो अगर मधुर रस की बात करें तो यह बलवर्धक है। क्या है? बलवर्धक, हमारे शरीर में बल की बढ़ोतरी, मधुर रस बल की बढ़ोतरी करता है। उसी के क्रम में जैसे जैसे आप नीचे आएंगे, जैसे जैसे नीचे आएंगे तो इनमें बल की कमी होती जाएगी। मतलब कि सबसे कम बल वर्धक कौन सा हो जाएगा? सबसे कम बल वर्धक, सबसे कम, तो सबसे कम बल वर्धक कौन सा हो जाएगा? कषाय रस सबसे कम बल वर्धक हो जाएगा। ये भी चीज ध्यान में रखिएगा, यहां पे क्रमों को ध्यान देंगे आप इसमें। जैसे कि मैंने पहले बताया कि उसमें क्रम को ध्यान नहीं देना है, क्रमागत जो रस है उनको ध्यान नहीं देना है, लेकिन इसमें आपको क्रम पे ध्यान देना होगा। तो जो क्रम मैंने लिखा है इस चीज को ध्यान से नोट कर लीजिएगा, मधुर के बाद अम्ल रहेगा, फिर लवण, फिर कटु, फिर तिक्त, फिर कषाय। कब? जब आपको ये निर्धारित करना हो कौन ज्यादा बलवर्धक है और कौन सबसे कम बलवर्धक है, तो वहां पे क्रम का ध्यान देना पड़ेगा। तो मधुर जो रस है वो सबसे ज्यादा बलवर्धक होता है, उससे कम बलवर्धक अम्ल, उससे कम लवण, उससे कम कटु, उससे कम तिक्त और सबसे कम कषाय। इस चीज पे भी आप ध्यान। तो यहां देख लेते हैं टॉपिक जो है रस और दोष। तो रस किस, कौन सा रस किस दोष को बढ़ा रहा है और किस दोष को घटा रहा है, इन चीजों को बात उन इन चीजों पे डिस्कशन कर लें। इन चीजों को मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले तो आप मधुर रस किन दोषों को बढ़ा रहा है और किन दोषों को घटा रहा है। तो मधुर रस कफ को बढ़ा देता है, मधुर रस कफ को बढ़ा देता है और वात पित्त को घटा देता है, वात और पित्त को घटा देता है। ये चीज याद रखिएगा, मधुर रस कफ को बढ़ा देता है और वात पित्त को घटा देता है। उसी तरह अगर देखें तो अम्ल, अम्ल पित्त कफ को घटाता है, पित्त कफ को बढ़ाता है और वात को घटाता है। अम्ल पित्त कफ को बढ़ाता है, पित्त कफ को बढ़ाता है और वात को घटाता है। अम्ल रस जो है पित्त कफ को बढ़ा रहा है और वात को घटा रहा है। उसी तरह अगर लवण रस देखें तो लवण क्या करता है? कफ और पित्त को बढ़ा रहा है और वात को घटा रहा है। लवण क्या कर रहा है? कफ और पित्त को बढ़ा रहा है, कफ और पित्त को बढ़ा रहा है और वात को घटा रहा है, दोनों सेम है अम्ल मधुर। अब उसी तरह से लवण, लवण क्या कर रहा है? कफ और पित्त सेम है, अम्ल और लवण, अम्ल और लवण में अम्ल भी क्या कर रहा है? पित्त और कफ को बढ़ा रहा है, और लवण भी क्या कर रहा है? पित्त और कफ को बढ़ा रहा है और ये वात को दोनों घटा रहे, दोनों का सेम है। उसी तरह से अगर देखें तो कटु भी है, कटु रस, कटु रस क्या कर रहा है? पित्त और वात को बढ़ाता है, पित्त और वात को बढ़ा रहा है और कफ को घटा रहा है। कटु रस क्या कर रहा है? पित्त और वात को बढ़ाता है, पित्त और वात को बढ़ाता है और जबकि कफ को घटाता है, कफ को घटाता है। उसी तरह से कटु हो गया, फिर तिक्त है, तिक्त रस, तिक्त वात को बढ़ा रहा है, वात को बढ़ाएगा और पित्त और कफ को घटाएगा। और लास्ट जो है कषाय,
ये भी वात को बढ़ाता है और पित्त कफ को घटाता है। कषाय, कषाय ये भी वात को बढ़ाता है और पित्त कफ को घटाता है। वात को बढ़ाता है और पित्त और कफ को घटाता है। तो जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक थे रस शास्त्र का, जो कुछ टॉपिक था इंपॉर्टेंट वो बता दिया मैंने। तो जो भी चीजें हैं आपके सामने हैं, आप उन चीजों को नोट कर लीजिएगा कि रस क्या है मैंने बताया, कौन से रस किस महाभूत के सम्मिलन से बने हुए हैं, किस महाभूतों का उसमें ज्यादा अधिकता है, कौन से महाभूत उसमें मिले हुए हैं किन रसों में, ये चीजें मैंने बताया। कौन से रस की कैसी प्रकृति होती है, कौन से रस हमारे वात और कफ या पित्त को, कौन से दोषों को बढ़ाते हैं, कौन से दोषों को घटाते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। तो जो भी इंपॉर्टेंट टर्म था रस शास्त्र का वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट जो क्लास है उसमें मैं आपको रस शास्त्र से ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको मैं लेकर के आप सभी के बीच में आऊंगा, उसको मैं बताऊंगा। इसी तरह आप अपना प्यार हमें देते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।